चलिए स्टूडेंट्स एवरीबडी रजिस्टर, ओनली रजिस्टर ऑन योर पेजेस, रजिस्टर और कॉपी, एनीथिंग, नोटबुक ऑन योर टेबल, नथिंग एल्स, नो, अभी कुछ नहीं और, ठीक है? चलिए, आई हैव गिवन यू द क्वेश्चंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, सो फर्स्ट राइट डाउन द डेट. एवरीबडी अपनी कॉपी में सबसे पहले डेट, एंड देन आई हैव आस्क्ड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, आपने लिखा होगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ नेजल हेयर. अगर हमारी बॉडी में नेचर ने कुछ दिया है तो दैट हैज सम इंपॉर्टेंस. सो नेजल हेयर, और मेरे पास आ जाइए बेटा केशव ठाकुर फ्रॉम सेवंथ ए, सेवंथ ए केशव ठाकुर, आ जा बेटा. पहले देखो आपकी आवाज आ रही है, से हेलो, गुड मॉर्निंग, कुछ बोलो. ये सारी हाँ हाँ जी, चलिए, आपकी भी आ रही है ना, चलिए ऑन कर दो, ऑन कर दो. हाँ, बस इसको बार बार ऑफ नहीं कर, ठीक है? टेल मी, नाक में जो, यहाँ देखो ये नेजल हेयर है ना, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेजल हेयर या हेयर इन द नोज? यस, क्या करते होंगे ये? दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। यस, दैट इज एब्सोल्यूटली राइट. सो यू मे राइट डाउन, कैसे हमने लिखना है, बैठो बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है? तो इंपॉर्टेंस इज बिग ट्रैप, रिमेंबर दैट, नेजल हेयर लिखना है सबने, ट्रैप, डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स. माइक्रोब्स मीन्स जर्म्स, ठीक है? जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह जो है, एंड इसलिए दे हेल्प इन सेंडिंग क्लीन एयर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. दे हेल्प इन सेंडिंग क्लीन एयर इन लंग्स. सेवंथ जी, मेरी आवाज आ रही है बेटा, रेज योर हैंड्स इफ आई एम ऑडिबल. वेरी गुड, एंड यू हैव ज्वाइंड आफ्टर सो मेनी डेज, ठीक है? ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेजल हेयर, नाक में जो बाल आते हैं ये हमारे, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को और माइक्रोब्स को, जर्म्स को, एंड हेल्प्स इन सेंडिंग क्लीन एयर इन लंग्स, राइट? उसके बाद नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड यू दैट, है ना, ये सबको पता होगा इंपॉर्टेंस ऑफ नेजल हेयर. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो घर जाके वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपिग्लॉटिस? बेटा एक मिनट सर, चलिए, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है, रिमेंबर दैट. देखो, ये हमारा नोज से पैसेज गया, ये माउथ से पैसेज गया, सबको ध्यान से देखना है. यहाँ पे खाना भी आ रहा है, यहाँ से एयर भी आ रही है, कॉमन पैसेज है, राइट? आफ्टर दैट सबने इधर, स्टूडेंट सी हियर, सेवंथ बी, सेवंथ बी बेटा इधर ध्यान, राइट? यहां से
थोड़े से पैसेज के बाद, देन देयर आर टू पाइप्स, वन इज फॉर फूड, दिस इज फूड पाइप, एंड वन इज फॉर एयर, बट इट मे हैपन, है ना, एयर तो हमेशा जा रही है, बट वेन वी इनजेस्ट फूड, खाना हमने अंदर किया, जब हम खाना खा रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल दैट फूड मे गो हेयर, एंड वेन इट गोज इन द विंड पाइप, इट विल ब्लॉक विंड पाइप, ट्रेकिया को ब्लॉक कर देगी, हवा नहीं अंदर जाएगी, एंड समटाइम्स क्या होता है बेटा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, जब हम खाना खाते, इधर देखो पहले ध्यान से देखो, सब छोड़ दो, जब हम खाना खाते हुए बोलते हैं, है ना, तो व्हाट हैपन समटाइम्स दैट दिस द फूड गोज इनटू विंड पाइप एंड वी हैव यू नो, हमें कफिंग हो जाती है, हमें हम हिंदी में कह देते हैं उथू चढ़ गया, है ना, बहुत ज्यादा कफिंग हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, तो कई बार आपके साथ जो बैठे हैं वो आपको पीछे से, है ना, पीछे से टैप करते हैं ताकि वो बाहर को आए, राइट, तो इस तरह से, एंड समटाइम्स इट मे हैपन इन स्मॉल किड्स, राइट, रो रहा है बच्चा और मम्मी उसको खिलाई जा रही है, एंड दैट फूड गोज इनटू इट्स विंड पाइप, द विंड पाइप गेट्स चोक, एंड समटाइम्स आई हैव सीन इन माय नेबरहुड दैट द स्मॉल किड डाइड ड्यू टू दिस ब्लॉकिंग ऑफ द ट्रेकिया पाइप, बट नेचर हैज गिवन अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, नेचर क्या कहती है, आपकी टीचर क्या कहती है, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, कि खाना खाते हुए बिल्कुल नहीं बात करनी, ठीक है, और जब हम बात नहीं करते, हम सिर्फ खाना खा रहे हैं, देयर इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दैट इन द विंड पाइप, इन द विंड पाइप देयर इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, When we ingest food, जब हम खाना अंदर करते हैं, ध्यान से सुनो, तो ये एपिग्लॉटिस जो है, ये हमारी विंड पाइप को टेम्परेरली बंद कर देता है, सो दैट द फूड इट गोज द फूड इट गोज इन द फूड पाइप ओनली, नॉट इन द विंड पाइप, ये ऐसे करके इसको बंद कर देता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स, लिख लो, एपिग्लॉटिस, पहली बात तो लिखो, व्हाट इज एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस इज अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एपिग्लॉटिस इज ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच क्लोजेस ट्रेकिया ड्यूरिंग इंजेशन ऑफ फूड, इंजेशन इज टेकिंग इन ऑफ फूड, या इंजेशन की जगह आप लिख लो स्वेलोइंग ऑफ फूड, दैट इज द मोस्ट करेक्ट, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, जब हम खाना थोड़ा अंदर कर रहे हैं, इट क्लोजेस द ट्रेकिया, जल्दी से राइट क्वेश्चन, एपिग्लॉटिस इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच क्लोजेस ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ऑफ फूड, वाइट क्लोजेस ट्रेकिया, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेकिया और विंड पाइप, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेकिया और विंड पाइप, ये देखेंगे कि दिस इज, ये जो स्ट्रक्चर है
This is, epiglottis. Okay, done, everybody. बेटा 3 मार्क्स क्वेश्चन, ऊपर लिखो 3 मार्क्स क्वेश्चन. गिव फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग: नेजल हेयर, एपिग्लॉटिस, ट्रेकियल रिंग्स. ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं कि हमारी बुक में तो ये चीज दी नहीं हुई. नेजल हेयर तो दिया हुआ है, एपिग्लॉटिस नहीं दिया हुआ फंक्शन. कि हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, ये कैसे क्वेश्चन आ गए? एंड थर्ड इज ट्रेकिया. देयर आर, दिस इज ट्रेकिया. ठीक है, ट्रेकिया में ये रिंग्स प्रेजेंट है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेकिया रिंग्स? कैन एनीबॉडी टेल मी? कोई मुझे बताएगा? बेटा अगर रिमेम्बर, थोड़ा सा ध्यान से अपना देखो कि व्हेन देयर इज नो एयर इन द बलून, व्हाट हैपेंस? द वॉल्स ऑफ द बलून, दे स्टिक विद ईच अदर. Yes or no? Say loudly. Yes. Think कि if we have small rings in the balloon, हम किसी तरह से बलून के अंदर छोटे छोटे रिंग्स जो है वो फिक्स कर दें, तो क्या उसकी वॉल स्टिक करेगी? उसमें एयर है या नहीं? माइक के बार बार वो है ना, तो वॉल स्टिक नहीं करेगी. तो इसी तरह से अब इफ देयर इज, इधर देखो, सेवंथ ई गर्ल्स, सी हियर. इफ देयर आर नो ट्रेकियल रिंग्स, इफ देयर इज, दिस इज ट्रेकिया. इफ देयर आर नो रिंग्स इन द ट्रेकिया, व्हेन देयर इज नो एयर, किसी टाइम इसमें हवा ना हो, देन द वॉल्स ऑफ द ट्रेकिया स्टिक विद ईच अदर. एंड इफ द वॉल स्टिक विद ईच अदर, हाउ विल द एयर गो? क्योंकि हम पंप से, तो जब हम बलून फुलाते हैं वो तो हम प्रेशर से एयर भेजते हैं, तो बलून फुल जाते हैं. यहाँ पे कोई प्रेशर से थोड़ी हवा अंदर जा रही है, हवा अंदर जा ही नहीं पाएगी. एंड द पर्सन डाइज, उसका दम घुटने से, बिकॉज द एयर कैन नॉट रीच इन द लंग्स, द पर्सन विल डाई. समटाइम्स ड्यू टू, जब बच्चा मदर की यूट्रस में है, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही है, किसी कारण से उसके ट्रेकिया में रिंग्स नहीं बने. सो व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, है ना, तो वो सांस लेने की तो थोड़े टाइम बाद ही, विद इन फ्यू सेकेंड्स, द चाइल्ड विल डाई, बिकॉज द एयर, जब वो अंदर है तब तो उसको मदर से ऑक्सीजन मिल रही है, ट्रेकिया की तो जरूरत ही नहीं है, मदर से उसके ब्लड में ऑक्सीजन डायरेक्ट जा रही है, राइट? बट व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, द ट्रेकिया, द वॉल ऑफ द ट्रेकिया, इट इज स्टिक, द एयर डज नॉट गो इन, एंड द चाइल्ड डाइज विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स ओनली. सो वट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेकियल रिंग्स? तो लिख लो, ट्रेकियल रिंग्स प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ वॉल ऑफ ट्रेकिया. प्रिवेंट्स, स्टिकिंग ऑफ वॉल्स ऑफ ट्रेकिया इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर. सो राइट डाउन अ क्वेश्चन. What will happen if a child is born? What will happen if a child is born with a trachea? What will happen? लिख लो बेटा, सेवंथ बी लिख लो क्वेश्चन. सीधा नहीं आएगा कि what are the functions of tracheal rings? क्वेश्चन विल कम इन दिस वे, व्हाट विल हैपन इफ अ चाइल्ड इज बोर्न
ट्रे किया विदाउट रिंग्स, विदाउट रिंग्स। आंसर इज चाइल्ड विल डाई, चाइल्ड विल डाई। आंसर इज चाइल्ड विल डाई। व्हाई चाइल्ड विल डाई? सेकेंड पॉइंट, बिकॉज द ट्रेकियल वॉल्स, बिकॉज द ट्रेकियल वॉल्स। आंसर इज चाइल्ड विल डाई। क्यों मर जाएगा? बिकॉज द ट्रेकियल वॉल्स या वॉल्स ऑफ ट्रेकिया, कुछ भी लिख सकते, बिकॉज द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया स्टिक विद ईच अदर। एंड द चाइल्ड कैन नॉट ब्रीथ, चाइल्ड कैन नॉट ब्रीथ। और जब ब्रीदिंग नहीं होगी तो वो मर जाए। इधर देखिए, सो वी हैव टॉक्ड अप टू ट्रेकिया, राइट? सो दिस इज, यू नो, एट द अपर साइड स्टार्ट ऑफ ट्रेकिया देयर इज एपिग्लॉटिस, यू नो दैट। दिस इज ट्रेकिया, दीज आर ट्रेकियल रिंग्स। देन ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू, दिस इज ब्रोंकाई, और फिर आगे देखो, अगर ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड कर रहा है ब्रोंकियोल्स में, और जो ये छोटे 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 राउंडेड से स्ट्रक्चर्स है, व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? दीज आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। इफ दिस इज, सी दिस इज ट्रेकिया, इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस ब्रोंकाए, देन ब्रोंकाए फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स, बहुत सारे इस तरह से ब्रोंकियोल्स, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? पहले है ट्रेकिया, बोलते चलो आप अपने आप, डिवाइड इनटू ब्रोंकाई, फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स, एंड देन अल्टीमेटली फॉर्म। लिखो ऊपर, ब्रांचिंग ऑफ ट्रेकिया। ब्रांचिंग ऑफ ट्रेकिया, तो यहां ऊपर लिखो ट्रेकिया, एरो में साथ लिखो डिवाइड्स इनटू, डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, देन फर्दर ब्रोंकाई के आगे डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स, और फिर लिखो डिवाइड्स इनटू एल्वियोलाई। Each lung has about 10 lakh alveoli. Each lung, हर लंग में 10 लाख एल्वियोलाई है। अच्छा, अब हम एक चीज आपको दिखा, हाँ।
Can you see these blocks? Yes or no? अब हम एक देखते हैं कि इनमें कि लेट्स काउंट द यू कैन से कि भी हम दरवाजे डोर्स गिनते हैं, कुछ भी हम ये मान के चलते हैं, इसमें कितने दरवाजे हैं। एक कलर को एक दरवाजा मानेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दरवाजे ऑपोजिट है। अब हमने क्या किया, अब आप ये मुझे बताएंगे कि इफ वी ब्रेक दीज, हमने इसको दो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ डोर्स टोटल डोर्स इंक्रीज हुए कि नहीं? ये भी डोर आ गए और ये भी डोर आ गए, यस और नो? जोर से बोलो यस और नो। अब हमने क्या किया कि हमने इसको भी अलग कर दिया। जब हमने इसको अलग कर दिया तो ये दो डोर्स और आ गए, यस और नो? अगेन अगेन हम बात करते हैं कि जब हम एक बड़े कंपार्टमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं तो सरफेसेस, अगर हम ये देखें, अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये एक्स्ट्रा सरफेस आ गया कि नहीं? पहले तो ये छुपा हुआ था, यस और नो? जब हमने डिवाइड किया, दो में बांट दिया, तो सरफेस बढ़ा कि नहीं? यस और नो? यस। सरफेस एरिया, एक ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया, ये, तो जब हमने ये कर दिया, जब नंबर ऑफ सरफेसेस बढ़ गए तो सरफेस एरिया भी बढ़े और नॉट, यस और नॉट? जब सरफेस एरिया बढ़ गया, यस, सेवंथ है गर्ल्स, कहां पे ध्यान है? छोड़ो लिखना, लीव, क्या लिख रहे हो? आर यू डूइंग सम होमवर्क? लीव राइटिंग। ठीक है, इधर क्योंकि नया कंसेप्ट है बेटा, नई चीज है। जब हम एक बड़े ब्लॉक को तोड़ते हैं छोटे ब्लॉक्स में तो क्या चीज इंक्रीज करती है? एक ये बड़ा ब्लॉक था, ठीक है, और जब हमने छोटे में तोड़ा तो एक सरफेस ये क्रिएट हो गया और एक सरफेस ये और एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया। यस, पहले ये था, अब हमने तोड़ा तो दो सरफेसेस क्रिएट हो गए, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया में क्या है? सरफेस एरिया से क्या जा रहा है? सरफेसेस से क्या हो रहा है? द गैसेस या कोई भी चीज की मूवमेंट हो रही है, अंदर बाहर अंदर बाहर। डू यू गेट मी? राइट, जितने ज्यादा सरफेसेस होंगे उतनी ज्यादा मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। डू यू एग्री विद मी और नो? ये जो है, ये सरफेसेस, एक ये सरफेस, ये, बट जब हमने इसको दो में तोड़ा तो एक सरफेस ये भी क्रिएट हो गया, ये भी क्रिएट हो गया, यस और नो? यस। तो जब दो ज्यादा सरफेसेस क्रिएट हो गए तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फास्ट हो गई, राइट? तो एक बड़े कंपार्टमेंट को जब हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस इंक्रीजेस, राइट? सो राइट डाउन वन क्वेश्चन, राइट डाउन। व्हाई डू वी हैव सो मेनी एल्वियोलाई? So many alveoli in the lungs. Why there are so many? हर लंग में कितने alveoli है? 10 lakh alveoli है। क्यों? एक ये लंग है, लेट अस से दो ब्रोंकाई थे, यहां पे दो ही alveoli हो जाते, इतने सारे एल्वियोलाई होने का क्या जरूरत थी? इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दी है, राइट? कैन एनीबॉडी टेल मी? रेज योर हैंड, जिस जो चीज मैंने अभी बताई है उसी पे बताओ। यस, व्हाई देयर आर सो मेनी एल्वियोलाई इंस्टेड ऑफ वन और टू लार्ज एल्वियोलाई इन ईच लंग? यस, सेवंथ जी में से
And for exchange more gases. For exchange of gases, yes, for exchange of more gases, you know, for the faster movement of gases, right? So, likh liya question, answer likhiye. More the number of alveoli, seventh F में से मुझे answer आया, ठीक आया है. More the number of alveoli. More is the surface area for more exchange of gases. Between alveoli and blood. मैं एक बार स्क्रीन पे देखो, देखो ये एल्वियोलाई है और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जा रही है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में, एक्सचेंज हो रहा है कड़ी और राजमा का, है ना. More the surface area, more will be the exchange of gas. Now, अब एक और चीज. Have you written this? Yes. Now there is one more question. हम कहते हैं स्मोकिंग मत करो, ठीक है? Why? Smoking is bad for health. Who will tell me? Because it damages our alveoli. Because it damages alveoli. उसका क्या होगा? Alveoli के damage से क्या होगा? हमारे पास 10 लाख alveoli है, उसमें मूवमेंट स्लो हो जाएगी. से क्या होगा बेटा? मूवमेंट स्लो हो जाएगी. Yes, very good. That is absolutely right. Seventh A में मुझे आंसर मिला है. So what will happen? थोड़ा सा मैं और इसका बता दूं, फिर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी इसका. कि स्मोक, स्मोक क्या कर रहा है? स्मोक ब्लॉक्स एल्वियोला, सभी तो नहीं, फ्यू एल्वियोला. 10 लाख में से 2 लाख एल्वियोलाई ब्लॉक हो गए, 2 लाख एल्वियोलाई गेट्स ब्लॉक. सो व्हाट विल हैपन व्हेन द एल्वियोलाई गेट्स ब्लॉक, सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस gets decreased, or you can say some doors gets blocked, सड़कें ब्लॉक हो गई है, कुछ vehicles का आना जाना फिर कम हो जाएगा. Due to which there is less exchange of gases. Initially, when the lungs were not blocked, let's suppose that 100 particles of oxygen are going at a time. But now only 50 particles of oxygen are going. Due to which, what will happen? Less oxygen reaches to cells. Less oxygen reaches to cells, but cells require more oxygen. Therefore,
Smokers have high rate of breathing. वो हाँफ जाते हैं, वो तेजी तेजी से ब्रीद करते हैं. हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इज नॉट गुड फॉर अडल्ट. छोटे बच्चों में तो होती है, वो तो उनका नेचुरल फिनोमिना है ना. उनको सांस चढ़ जाता है, बहुत तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, थोड़ा सा भी चले दो. सो क्वेश्चन में कम, राइट डाउन वन क्वेश्चन. व्हाई देयर इज हाई रेट ऑफ स्मोकिंग इन हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन स्मोकर्स. व्हाई देयर इज हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन स्मोकर्स. अगेन द सेम आंसर, ये पूरा आंसर, बिकॉज देयर एल्वियोलाई गेट्स ब्लॉक्ड. लेस सरफेस एरिया मीन्स लेस ऑक्सीजन रीचेस टू लंग्स, सॉरी टू सेल्स. एंड व्हेन देयर इज लेस ऑक्सीजन, सेल्स कहते हैं हमें ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही तो बेचारे तेजी से ब्रीद करते ताकि थोड़ी सी ऑक्सीजन हमें और मिले. आंसर इज सी. 2 मार्क्स क्वेश्चन लिख लो, 2 मार्क्स क्वेश्चन. So, if you can see here, if you see the X-ray of an healthy lung, it will appear like this. This is a healthy lung, and black colored lung is the smoker's lung. यह smoker's lung है. या बेटा, अगर हम बहुत polluted areas में चले जाएं, ठीक है, nasal hair कितना को बेचारे रोक लेंगे, तो वो जो pollutants है वो भी हमारे लंग्स में डिपॉजिट हो जाए, राइट? सो दिस इज हेल्दी लंग, दिस इज अनहेल्दी डिजीज्ड लंग है. यहाँ पे अगर हम देखें तो डिजीज्ड लंग में अगर हम देखें तो बहुत सारी एल्वियोलाई जो है वो डैमेज है, राइट? एल्वियोलाई आर ब्लॉक्ड, डैमेज्ड. इज इट ओके? ठीक है. देन नेक्स्ट वी कम टू वन मोर थिंग, ठीक है, ब्रीदिंग. अब हमने क्या किया है, लेट्स से दैट एयर दिस इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. द फ्रेश एयर इट गोज इन, ऑक्सीजन रिच एयर इट गोज इन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इट गोज आउट. वी हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो नेक्स्ट वी कम टू दैट इज ब्रीदिंग. व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. अच्छा, अब मुझे जरा, अब आपने मुझे ये बताना है, पुट योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, है ना, इनहेल करो एक्सहेल करो, इनहेल टेक इन एयर डीप ब्रेथ, है ना. आपको क्या लग रहा है, द लंग्स आर स्वेलिंग एंड देन कॉन्ट्रैक्टिंग, यस और नो?
यस और नो? चेस्ट एंड देन इट कम्स डाउन, फिर आगे को आ रही है, फिर पीछे जा रही है, यस और नो? यस नाउ यू हैव टू टेल मी, ये आपने मुझे बताना है. द चेस्ट और लंग्स स्वेल. ए ऑप्शन है आफ्टर इनहेलेशन, बी ऑप्शन है बिफोर इनहेलेशन, स्वेल और इंक्रीज इन साइज. चेस्ट और लंग स्वेल और इंक्रीज इन साइज कब? ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है? यस, रेज योर हैंड, ऐसे नहीं बोलना, अपने हाथ खड़े करो. एंड आई वॉन्ट टू हैव आंसर फ्रॉम सेवंथ सी. सेवंथ सी, यस, मिडल रो फर्स्ट गर्ल. आ जाओ, कहां पे माइक है आपका? माइक कहाँ है बताओ मुझे. हाँ जी, नाउ टेल मी, इज इट ए और बी? बी आपने कहा है बिफोर इनहेलेशन, मतलब इसका मतलब है कि भी चेस्ट पहले स्वेल कर जाती है फिर हम इनहेल करते हैं, या पहले हम इनहेल करते हैं फिर चेस्ट स्वेल करती है, इनहेल एंड देन चेस्ट स्वेल्स, राइट? यस अच्छा चलिए, अब हम, आपने ये बताया, अब हम देखते हैं कि क्या यही प्रोसेस है. लेट्स सी. अब हम ध्यान से राइट डाउन प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. राइट डाउन प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड राइट अगेन दैट प्रेशर इज ऑपोजिट और आप इनवर्स जो है वो आप एट्थ में पढ़ेंगे, बट ऑपोजिट को मैथमेटिक्स में क्या देखते हैं? इनवर्सली रिलेटेड. इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम. तो नाउ फ्रॉम सेवंथ ई, सेवंथ ई में मेरे पास आ जाइए बेटा. एकम, सेवंथ ई एकम. बेटा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? एकम आपने मुझे बताना है. अब वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम आपको पता है ना कि हमने 100 ml का बॉक्स ना लेके 200 ml का बॉक्स ले लिया, वॉल्यूम इंक्रीज होगी. आपका ये क्लासरूम डबल हो गया है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई. तो इसके हिसाब से मुझे बताइए, विल द प्रेशर डिक्रीज और इंक्रीज? प्रेशर इज ऑपोजिट टू वॉल्यूम. हाँ, इससे क्या समझ में आया? इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? इंक्रीजेस डिक्रीज की इंक्रीज, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? डिग्री इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट है. ये याद रखने वाली बात है कि वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस. लिखो ये, वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर
increases. These are two opposite things. First point this, second this, and third point. Remember that gases move from high pressure to low pressure. Gases moves from high pressure to low pressure. छोड़ दो बेटा, बाकी सब चीजें छोड़ दो. सेवंथ सी छोड़ दो, जो भी किताबें देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बोर्ड. स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करो और ये लिखो, तभी आगे के क्वेश्चंस होंगे. वी विल टेक 5 more minutes एंड देन वी विल कंप्लीट द थिंग्स. नाउ रिमेंबर दैट. अब यहां पे देखो, ये आपका रूम है. रूम की ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी इज वॉल्यूम. वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ रूम. एंड सपोज देयर आर 50 students sitting there. ठीक है, लेट अस से आपकी क्लास में जो है 50 स्टूडेंट्स बैठे. अब क्या हुआ हमने, है ना, एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, है ना. जैसे आप दो दो करके बैठे हुए हो, तो एक जगह कोई किसी को धक्का लगा रहा है, कोई कुछ किसी को बाजू मार रहा है, तो इधर कर ले, तो इधर कर ले, तो एक प्रेशर है. Now what happens? कि इसकी कैपेसिटी हम आधी कर दें. वी टू हाफ ऑफ वी वन एंड 50 स्टूडेंट्स. अब मुझे ये बताओ कि कोलिशंस जो है वो ज्यादा होंगी कि कम हो जाएंगी. टेल मी, कोलिशंस मीन धक्का मुक्की. What will it will increase or decrease? Ma'am, it will increase. It will increase. Collisions will increase. Yes or no? And yes. What are collisions? Collisions causes pressure. So now tell me, seventh B mein koi student, tell me if there are more collisions, will there be more pressure ki less pressure? बोलिए, जिसके पास माइक है वही बताओ. हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही जोर से. आवाज नहीं. अच्छा, मुझे ये बताना, मोर प्रेशर इज वन, लेस प्रेशर इज टू. टेल मी, वन और टू, अपने फिंगर से बताओ. इट विल बी वन, दैट विल बी मोर प्रेशर, राइट? हियर विल बी मोर कोलिजन्स and there will be more pressure. Or let us say that the room size becomes double and there will be 50 students. अब वो single single bench पर बैठ रहे हैं, अभी आप दो दो बैठे हो, इतना double हो जाएगा, तो आप एक एक bench पे बैठेंगे. There will be few collisions. जब few collisions होंगी तो pressure क्या हो जाएगा? Pressure decreases. Is it okay? Yes. समझ में आई ये चीज? जिस जिसको समझ में आई, raise your hands. ओके, वेरी गुड. मैक्सिमम को समझ आई, कईयों को नहीं भी आई. मैं दोबारा से बता देती हूँ. 50 स्टूडेंट्स है, ये आपका रूम का एक नॉर्मल साइज है. बट
What happens that due to some reason the size of the room reduced to half. तो एक बेंच पे तीन तीन बच्चे भी बैठेंगे, ठीक है, या आपके बेंचेस जोड़ दिए, चार की जगह पांच बच्चे बैठेंगे. देयर विल बी मोर कोलिजन्स, लेस वॉल्यूम, मोर कोलिजन्स, मोर प्रेशर. इफ दिस रूम गेट्स डबल इन साइज, देयर विल बी वन स्टूडेंट ऑन वन बेंच, द कोलिजन्स विल डिक्रीज एंड देयर विल बी लेस प्रेशर. मीन्स लेस प्रेशर कब हुआ? When there is more volume, there will be less pressure. And when there is less volume, there is more pressure. And pressure is, you can, at this stage, आप यहां देख लें कि collision जितनी मर्जी जो है, अगर molecules बहुत पास पास में है तो collision ज्यादा है, pressure ज्यादा है. अगर molecules दूर दूर है, collisions कम है, pressure कम. Now one more, last thing I have to tell. I have to ask. These are the lungs, right? इधर ध्यान से देखना है. And this is muscular diaphragm. And these lungs are connected with atmosphere. है ना, बाहर की एयर से कनेक्टेड है ना थ्रू रेस्पिरेटरी पैसेज. नाउ व्हाट हैपेंस, दिस डायफ्राम इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये क्या हो गया, यहां से अटैच था, ये लेस कर्व्ड हो गया. पहले यहां तक कर्व था, अब ये लेस कर्व हो गया. और नाउ टेल मी कि जब डायफ्राम फ्लैट हुआ तो इसकी वॉल्यूम बढ़ी के कम हुई? यस, सेवंथ ए में से मेरे पास आ जाइए बेटा, गगनदीप, गगनदीप जल्दी से क्विकली कम. कॉपी की जरूरत नहीं है, यहां पे मुझे बताओ कि दिस डायफ्राम ये कर्व्ड था, जब ये फ्लैट हुआ तो लंग्स की वॉल्यूम आप क्या देख रहे हो, लंग्स का साइज, लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? मोर देन वॉल्यूम वन इंक्रीज हो गई, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई कि कम हो गई एज कंपेयर टू दिस? मैं वॉल्यूम ज्यादा होगी ज्यादा हो गई, वॉल्यूम ज्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? मैं प्रेशर में लेस हो जाएगा लेस. वेरी गुड गगनदीप, बैठो बेटा. तो यहां पे हम क्या कहेंगे, व्हेन डायफ्राम गेट्स फ्लैटन्ड, फ्लैटन्ड लिखते जाना है, फ्लैटन्ड, और मूव्स डाउन, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस. डायग्राम बनाओगे तो आपको क्लैरिटी होगी. प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस एज कंपेयर्ड टू आउटर प्रेशर ऑफ एयर. इसमें प्रेशर कम हो जाएगा किसके कंपैरिजन, जो बाहर हवा है, जो बाहर हवा है उसके कंपैरिजन में प्रेशर लंग्स में कम हो जाएगा. सेवंथ एफ, जल्दी से अब मुझे बताओ कि एयर कहां से कहां मूव करती है. सेवंथ एफ, सेवंथ एफ आ जाइए बेटा, तजवीर कौर, तेजवीर, आई होप सो, है ना. चलिए प्रेशर मुझे बताइए, एयर जो है हाई टू लो जाती है कि लो टू हाई प्रेशर जाती है? हाई टू लो आउटर एयर में हाई है कि लंग्स में हाई है?
जब लंग्स का साइज बड़ा हो गया तो हमने क्या किया, प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस एज कंपेयर टू आउटर प्रेशर. नाउ टेल मी वेयर द एयर मूव्स, डू वी इनहेल की एक्सहेल? इनहेल्ड बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड. सो इसकी वजह से क्या होगा, दैट एयर मूव्स फ्रॉम एटमोस्फियर इनटू लंग्स एंड दिस इज इनहेलेशन. तो लंग्स का साइज पहले बड़ा होता है, फिर हवा अंदर जाती है. इज इट ओके? सो क्वेश्चन में कम, हाउ डू वी इनहेल? व्हेन द डायफ्राम गेट्स फ्लटर्ड. रिब्स मूव्स आउट. रिब्स मूव आउट, ये भी लिख लेना. दो चीजें हैं, डायफ्राम गेट्स फ्लटर्ड, रिब्स मूव आउट. वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस. और वॉल्यूम ना याद आए तो साइज भी लिख सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाए. और इसके ऑपोजिट, जब ये हो रहा है तो हम कर रहे हैं इनहेल, और जब ऑपोजिट हो रहा है एक्सहेल. ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, व्हेन डू वी एक्सहेल, ये लिख लिया. आई होप इनहेल सबने लिख लिया होगा. मैं आप थोड़ा सा आपको बस लास्ट है, तो व्हाट विल हैपन व्हेन द डायफ्राम, ये काट दो, गेट्स कर्व. गेट्स कर्व और मूव्स अप. एक्सक्यूज मी मैम, 7 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट है, व्हेन द रिब्स मूव इन, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, देखो यहां पे इंक्रीज की थी, यहां पे डिक्रीजेस. प्रेशर इन लंग्स इंक्रीजेस, यहां पे डिक्रीजेस की जगह क्या लिखोगे, इंक्रीजेस एज कंपेयर टू आउटर प्रेशर ऑफ द एयर. एयर मूव्स, जब लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फ्रॉम लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर एंड देयर अकल्स एक्सेलेशन. ये डायग्राम जरूर बनाना है. सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग. क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस. लिख लो 5 मार्क्स क्वेश्चन. डायग्राम के बगैर सिर्फ जितना मर्जी लिखा हो 2 मार्क्स ही मिलेंगे. डायग्राम बना दोगे, कुछ नहीं लिखोगे, तब भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे. सो 3 मार्क्स ऑफ डायग्राम, 2 मार्क्स ऑफ क्यूबिक. अगेन, किसी बच्चे का कुछ छूटा हो, यहां पे हमने कंसेप्ट भी समझाया, एग्जाम के क्वेश्चंस भी लीक कर दिए आपको, इन्हीं में से ही आने हैं, इससे बाहर नहीं क्वेश्चंस आने, राइट? तो इसलिए किसी बच्चे का अगर छूट गया है, कोई आपके फ्रेंड्स नहीं आए, If somebody is left, please visit KEducon e-learning channel on YouTube and revise the things.
यू कैन नोट डाउन द थिंग्स विच आर मिस्ड, के एडुकॉन ई लर्निंग, ठीक है, उसमें योर वीडियोस में सारा कुछ आ जाएगा, राइट। चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। बाय।